दोस्तों, अगर आप फिशिंग करना चाहते हैं तो कानून के मुताबिक आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, एनिमल किंगडम में नियम कानून कोई मैटर नहीं करते। यहाँ कोई भी जानवर अपनी मर्जी से जब चाहे तब फिशिंग कर सकता है, और वो भी बिना फिशिंग लाइसेंस के। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो 10 ऐसे ही जानवरों पर बेस्ड है जो मछली पकड़ने में बॉस एक्सपर्ट है, या यूं कहें कि इंसानों से भी 4 कदम आगे है। मछली पकड़ना इनके लिए बॉस बाएं हाथ का खेल है, और इस दौरान इन्हें किसी सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिशिंग के लिए जानवर इतने दमदार और यूनिक टेक्निक्स को फॉलो करते हैं कि आप इन्हें सैल्यूट करना चाहेंगे। नंबर 1, कोडियक ब्राउन बियर। मिलिए हमारे स्टोरी के हीरो से, जिसका नाम है कोडियक ब्राउन बियर। दोस्तों, भूरे रंग का ये भालू फिशिंग करने में इतना एक्सपर्ट है कि इंसान भी इसके आगे फीके लगते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले इन भालुओं को सैल्मन मछलियाँ खाना बड़ा पसंद है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भालू की टीम फिशिंग के लिए पानी की तेज जलधारा में पहुँच चुकी है, और सभी ने भैया मोर्चा संभाल लिया है। अब केवल मछलियों के आने का इंतजार है। सैल्मन मछलियों का माइग्रेशन शुरू होते ही भालू की लार ऐसे टपकती है जैसे हमारी गुलाब जामुन को देखकर। क्यों, सही कहा ना? जैसे ही मछलियाँ भाई ऊपर आने लगती हैं, तो भालू अपना मुंह खोलकर खड़े हो जाते हैं। अब मछली सीधे मुंह के अंदर होती है। इस वक्त नजारा बिल्कुल ऐसा होता है जब कोई पॉपकॉर्न को हवा में उछाल उछाल के खाता है। एक बात और, इन भालुओं को भाई सैल्मन मछलियाँ इस कदर पसंद है कि बड़े भालू बेस्ट फिशिंग स्पॉट्स के लिए आपस में फाइट भी करते हैं। जी हाँ, ये सब देखकर आपको भी लग रहा होगा कि भला ये मछलियाँ उल्टी दिशा में मरने के लिए क्यों इतना छटपटा रही हैं। तो दोस्तों, ऐसा करना भाई इनका शौक नहीं बल्कि इनकी मजबूरी है। ये साल का वो समय है जब सैल्मन अंडे देने के लिए नदी के ऊपर अपनी वार्षिक यात्रा करते हैं। लेकिन भूखे भालुओं से आगे निकल जाना कोई आसान काम थोड़ी ना मियाँ। भालू मछलियों को पकड़ने के लिए कई फिशिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, अटलांटियन पफिन। कहीं आप इस पक्षी के भोली सूरत को देखकर इसे मासूम तो समझने की गलती नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो जान लीजिए कि अटलांटिक पफिन नाम का ये समुद्री पक्षी दोस्तों बड़ा ही तेज तर्रार है। इसकी खासियत है कि ये उड़ने के अलावा पानी में मजे से तैर भी सकता है, और इस दौरान फिशिंग भी कर सकता है। दरअसल दोस्तों, अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों पफिन की होती है। बच्चे का पेट भरने के लिए कभी मादा पक्षी तो कभी नर पक्षी मछली पकड़ने का काम करते हैं। इस दौरान इन पक्षियों को कम से कम 50 किलोमीटर तक उड़ना पड़ता है। जनाब, इन पक्षियों का स्ट्रगल यहीं पे खत्म नहीं होता। पानी में जाने के बाद इनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है मछलियों के इलाकों को खोजना। एट द एंड पफिन की मेहनत रंग लाती है, और ये अपनी सुंदर सी चोंच में मछली को पकड़ता है, और उसके बाद फिर एक लंबी उड़ान के बाद अपने बच्चों तक भोजन लेकर पहुँचता है। इस बीच दोस्तों, इन पक्षियों को समुद्री डाकू पक्षियों से भी बचने की जरूरत होती है, नहीं तो सारी मेहनत पर बॉस पानी फिर जाएगा। साफ लफ्जों में कहें तो ये छोटे मियां मछली पकड़ने के लिए ही बनाए गए हैं, यहाँ तक कि इनकी चोंच भी। दोस्तों, इस पक्षी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नंबर 3, रिवर ऑटर। दोस्तों, आपने रिवर ऑटर का नाम तो सुना ही होगा, जिसे उदबिलाव भी कहा जाता है। वैसे तो इनकी डाइट में अलग अलग तरह के जलीय जीव शामिल है, लेकिन जब इनका मन मछली खाने का होता है ना, तो ये बड़ी यूनिक टेक्निक को फॉलो करते हैं। रिवर ऑटर फिशिंग के लिए स्मेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मछली को लगता है कि वो छल करके बच निकलेगी, लेकिन रिवर ऑटर ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इनकी नाक दोस्तों इतनी तेज होती है कि ये किसी भी तरह की मछलियों को ढूंढ निकालते हैं। बताते हैं कि रिवर ऑटर पानी के अंदर भी सूंघ सकते हैं। ये मछलियों को ऐसे खाते हैं जैसे मानो कोई पिज्जा खा रहा है। देखिए कैसे दोनों हाथों से पकड़कर मछली को खाने में बिजी है। लगता है अब इसे लंबे समय तक भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में पाए जाने वाली रिवर ऑटर की 13 प्रजातियों में से इंडिया 3 का घर है? और अगर आपने इन्हें अभी तक नहीं देखा ना, तो फौरन जाकर देख लीजिए। नंबर 4, ग्रीन हेरन। दोस्तों, हम इंसानों को लगता है कि दिमाग केवल हमारे पास ही है, लेकिन हमें अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है। एनिमल किंगडम में बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जो दिमाग रखते हैं, और उसे समय समय पर साबित भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ग्रीन हेरन को ही देख लीजिए। समझदारी तो जैसे इनमें कूट कूट के भरी है। दोस्तों, जब आप ग्रीन हेरन को फिशिंग करते हुए पाएंगे, तो खुद को इनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे। वो कैसे, चलिए खुद ही देख लीजिए। पहले तो हरे रंग का बगुआ ऐसा स्थान चुनता है जहाँ मछलियों की संख्या अच्छी खासी हो, जिससे ये आराम से फिशिंग कर सके। ये इतनी गजब की टेक्निक फॉलो करता है कि मछली आनी ही आनी है। मासूम मछलियों को रिझाने के लिए ये अपनी चोंच में चारा लेके जाता है। चारे के रूप में दोस्तों ये कीड़े, केचुए और ब्रेड के टुकड़े जैसी चीजें डालते हैं। फिर किनारे पर बैठकर मछलियों का इंतजार करता है, और जब इसे सही मौका मिलता है तो ये मछलियों के लिए पानी में तब तक चारा डालता रहता है जब तक ये मछली इसके चंगुल में नहीं आ जाती। आखिरकार इसकी कोशिश रंग लाती है। जैसे ये दोबारा चारा डालता है तो मछली इसके झांसे में आ जाती है, और ये फौरन मछली को पकड़ लेता है। सच में इसे कहते हैं भाई दिमाग। दोस्तों, आपको बता दें, बगुले की एक छोटी प्रजाति है जो नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है। नंबर 5, कैलिफोर्निया सी लायन। ये नाम सुनकर कहीं आप कंफ्यूज या तो नहीं गए, आखिर ये किस बला का नाम है?
अगर आपके दिमाग में दोस्तों ऐसा कोई सवाल है तो जान लीजिए कि ये शेर नहीं बल्कि सील की एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया के ये समुद्री शेर अपनी इंटेलिजेंस, प्लेफुलनेस और नॉइजी बार्किंग के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर सील की ये प्रजाति स्क्विड, एंचोवीज, मैकरल और रॉकफिश जैसे समुद्री जीवों पर फीड करती है, लेकिन दोस्तों जब इन्हें मछलियाँ खाने की तलब उठती है तो ये उन्हें पकड़ने के लिए मछुआरों की तरह फिशिंग करती है। मछली पकड़ने के लिए इनके मुंह में एक एक्सपेंसिव पैलेट यानी कि विशाल तालू होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी लायंस का एक गैंग फिशिंग करने के लिए रवाना हो चुका है। जैसे ये मछलियों को उतले पानी यानी कि शैलो वाटर में घेर लेते हैं। हालांकि इस दौरान इन्हें पेलिकन के साथ काफी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि इस मामले में पेलिकन इनका बाप है। इसके पाउच में दोस्तों एक साथ 10 मछलियाँ समा सकती है। मछलियों को खाने के लिए सी लायन उन पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे ये आज ही सारा कोटा पूरा कर लेंगे। ये मछलियों को घेर कर समुद्र किनारे तक ले जाते हैं और फिर उन पर दावत उड़ाते हैं। नंबर 6, कॉमन मर्गेंसा। दोस्तों जब भी इन डक्स को पानी में तैरते हुए देखता हूं तो भाई ऐसा लगता है जैसे इनके पैरों में पहिए लगे हों। देखिए कैसे नाव की तरह सरपट यहां से वहां भागे जा रही है। खैर चलिए मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों कॉमन मर्गेंसा नाम की ये बतख मछलियों के बॉस काफी शौकीन है, इसलिए इन्हें जब भी मौका मिलता है तो ये फिशिंग का मौका हाथ से जाने नहीं देती है। ये पानी में तब तक तैरती रहती है जब तक इन्हें शिकार मिल नहीं जाता। मिसाल के तौर पर आप इस क्लिप को देख सकते हैं जहाँ कॉमन मर्गेंसा अपने लंच का इंतजाम करने में बिजी है। इसे यहाँ से वहाँ लगातार घूमते हुए देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पेट में बॉस किस कदर चूहे कोहराम मचा रहे होंगे। सही मौका मिलते ही ये बतख पानी में गोता लगाती है और चंद सेकंड्स में मछली को अपनी चोंच में पकड़ लेती है। देखिए ये तो हम नहीं जानते कि फिशिंग करने के लिए डक्स के पास कौन सी जादू की छड़ी होती है जो ये फौरन ही मछलियों का पता लगा लेती है, लेकिन हाँ देखिए इतना जरूर है कि कॉमन मर्गेंसा की चोंच लाल रंग की होती है और फिशिंग के मामले में इनकी लंबी और मजबूत चोंच बड़ी कारगर साबित होती है। इनकी चोंच की ग्रिप दोस्तों इतनी तगड़ी होती है कि मछली को आराम से पकड़ लेते हैं। नंबर 7, नॉर्दर्न वाटर स्नेक। दोस्तों आपको क्या लगता है कि केवल इंसानों को ही मछलियां खाना पसंद है? नॉर्दर्न वाटर स्नेक एक ऐसा सांप है जिसके डाइट मेन्यू में पहले नंबर पर फिश है, वो भी अलग अलग टाइप की। हालांकि कई बार इन्हें मेंढक और टोट्स को भी खाते हुए देखा जा चुका है। ऐसा माना जाता है कि ये सांप अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। कभी कभी ये सांप दोस्तों फिशिंग करते समय अपना मुंह खोलकर मछली से भरे तालाब या नदी में डुबकी मारता है और फिर मछली का शिकार करके ही दम लेता है। मछलियां पकड़ना तो इस सांप के लिए मानो जैसे बाएं हाथ का खेल है। नॉर्दर्न वाटर स्नेक भारी मात्रा में मछलियों का शिकार करता है और उन्हें जिंदा निकल लेता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर इस सांप को जहरीला कॉटन माउथ समझ लिया जाता है जबकि ये नॉन वेनमस सांप है। ये प्रजाति उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। नंबर 8, ब्लैक क्राउन नाइट हेरन। दोस्तों ये भी बगुले का भाई बंधु है और लाजमी है कि दिमाग की कमी तो भाई इसमें भी नहीं होगी। इसका फिशिंग करने का तरीका काफी यूनिक है। मछली पकड़ते वक्त ये पानी में पैरों की जरा भी आहट नहीं होने देता। जैसे ही इसे शिकार की आहट आती है यह फौरन ही उसे पानी के बाहर खींच लाता है। आई थिंक ये येलोफिन गोबी फिश है। मछली पकड़ने के बाद बगुला घास फूस को नीचे फेंक देता है और मछली को इतनी तेजी से गटकता है जैसे काफी देर से कुछ नहीं खाया। इस बगुले की एक और खूबी यह है कि ये फिशिंग के लिए ऐसे समय को चुनता है जब मछली पकड़ने वाले अन्य शिकारी पक्षी एक्टिव नहीं होते हैं। अपने नाम के उलट ये सूरज निकलने से पहले ही फिशिंग का काम निपटा देता है ताकि किसी को कानो कान खबर तक ना हो। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान मछलियां सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। नंबर 9, व्हाइट टर्न। फ्रेंड्स प्योर व्हाइट बॉडी, काली चोंच और काली बड़ी आंखें इस पक्षी को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए बहुत से काफी है। ये दुनिया के ट्रॉपिकल ओशंस में पाए जाने वाला दोस्तों एक छोटा समुद्री पक्षी है जिसे फेरी टर्न भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये सुंदर पक्षी भी फिशिंग करने वाले एनिमल्स की लिस्ट में शामिल है। पहले तो ये मक्खी की तरह मछलियों के ऊपर मंडराते रहते हैं और फिर छपाक से गोता लगाकर मछली को पकड़ लेते हैं। इन्हें अक्सर पफर फिश को पकड़ते हुए देखा गया है। जी हाँ दोस्तों ये वही मछली है जो काफी जहरीली होती है। खैर हमें क्या, ये जो मर्जी खाए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि व्हाइट टर्न केवल अपना पेट भरने के लिए फिशिंग करता है बल्कि ये अपने नन्हे मुन्नों के खाने का भी बहुत ध्यान रखते हैं। ये अपने बच्चों के लिए भी मछलियाँ पकड़ कर ले जाते हैं। ये पक्षी दोस्तों एक एक करके अपने चूजों को मछलियाँ खिलाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को भोजन खिलाती है। वाकई में नेचर इज सो वंडरफुल। नंबर 10, ऑस्प्रे। इतने अजीब नाम को सुनकर आपको दिमाग पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार का बाज ही है जिसे सी हॉक, रिवर हॉक और फिश हॉक के नाम से जानते हैं। मेरे साथियों इस बाज को फिश इतनी पसंद है कि ये फिश ईटिंग बर्ड नाम से काफी फेमस है। इनकी डाइट में 98% मछलियां ही हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पक्षी को मछलियों से कितना लगाव होगा। इनका फिशिंग करने का तरीका एक नंबर है। मिसाल के तौर पे आप इस क्लिप को देखें जहां ये प्यारी सी मछली इस बात से एकदम बेखबर थी कि कुछ ही देर में यह बलि का बकरा बनने वाली है।
बाज दूर से मछली पर पैनी नजर रखे हुए था। जैसी मछली पानी के नीचे डुबकी लगाती है तो बाज तेजी से उड़कर आता है और मछली पर हमला करता है। हॉक अपने नुकीले पंजों की मदद से मछली को पकड़कर 9-11 हो जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों एक ही बार में क्लीन बोल्ड। देखिए कैसे अपने बड़े बड़े पंखों को लहराते हुए बड़ी शान से मछली को लेकर जा रहा है, जैसे साउथ इंडियन मूवी का कोई हीरो। दरअसल दोस्तों इनके पंजों की पकड़ काफी मजबूत होती है क्योंकि इनके पंजों में स्पिक्यूल्स होते हैं। इनकी गिनती दोस्तों टॉप प्रेडेटर्स में होती है। वेल उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।